हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MSR चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो क्वेश्चन पेपर था 2021 का, उसके जितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे। तो हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। एट मेटालिक बॉल्स ऑफ 1 सेंटीमीटर रेडियस ईच आर मेल्टेड इंटू 1 बॉल। द डायमीटर ऑफ द न्यू बॉल इज 2 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का मतलब है कि हमारे पास 8 मेटालिक बॉल थी, तो जो 8 मेटालिक बॉल थी उनको हमने क्या किया, एक साथ मेल्ट किया। ये 8, तो इन सभी को मेल्ट करने के बाद एक हमने बड़ी बॉल बनाई। इन सभी को मेल्ट करने के बाद तो यहाँ पे इन सभी की जो रेडियस है, जो हमारी ये छोटी छोटी बॉल्स हैं इनकी रेडियस थी हमारी, इसे मान लेते हैं R1। ठीक है, तो R1 है हमारी 1 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारी जो यहाँ पे बड़ी बॉल बनेगी इसका डायमीटर कितना होगा, इस AB की लेंथ बतानी है कितना होगा। तो इसकी रेडियस मान लेते हैं, जो हमारी बिग मेटालिक बॉल थी, रेडियस ऑफ बिग मेटेलिक बॉल ये हो गई हमारी R2, और जो R1 थी ये थी स्मॉल बॉल्स की रेडियस। ओके, इसके बाद देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये हमारे कन्वर्जन का क्वेश्चन है। इस कन्वर्जन के क्वेश्चंस में क्या होता है, हम एक शेप को पिघला के मेल्ट करके उसे नई शेप देते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है वो तो सेम है। जब मटेरियल सेम है तो वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम जो रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, वॉल्यूम रहेगा कांस्टेंट। मतलब इन 8 जो मेटालिक बॉल्स हैं इनका जो वॉल्यूम है वो इस मेटालिक जो बड़ी वाली बॉल है इसके वॉल्यूम के बराबर रहेगा। तो अब क्या करेंगे, इन सभी का वॉल्यूम हम निकालेंगे। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ 1 मेटालिक बॉल, जो हमारी छोटी वाली थी उनका निकाला, तो क्या होता है, स्फीयर है तो स्फीयर का होता है 4/3 πr³। ये हो गया, तो 4/3 πr³, तो ऐसे लिख लेंगे हम 4/3 π। R1 की वैल्यू है हमारी, R1 की वैल्यू है हमारी यहाँ पे 1, तो 1 का क्यू कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 π हो जाएगा। तो हमारी एक जो छोटी बॉल थी उसकी, उसका हमने वॉल्यूम निकाल लिया। तो सच ऐसी हमारी 8 बॉल्स का वॉल्यूम कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ 8 बॉल्स। तो क्या करेंगे हम, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 × 4/3 π ये हो जाएगा। ये होने के बाद अब यहाँ पे इसके बाद आपको जो वॉल्यूम होगा उसका चेंज निकालना है। अब हम निकालेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ बिग मेटालिक बॉल, बिग मेटालिक बॉल वो हो जाएगा 4/3 πr²³। ये हो जाएगा, तो जब ये हो जाएगा तो ये वाला वॉल्यूम जो हमारा 8 बॉल्स का था और ये सिंगल बिग मेटालिक बॉल, ये वॉल्यूम सेम रहेगा। जब ये वॉल्यूम सेम रहेगा तो इसका मतलब हमने 8 को मिलके ये बड़े वाला स्फीयर बनाया है। तो अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे सॉल्व करने पे यहाँ पे आप इन दोनों को बराबर कंपेयर कर सकते हैं, 8 × 4/3 π = 4/3 πr²³। तो यहाँ से 4 से 4, 3 से 3 और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा 8 = r²³। ये आने के बाद हमें r² की वैल्यू मिल जाती है 2 सेंटीमीटर। और उसने पूछा था डायमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर क्या आ जाएगा, 2 × 2 cm = 4 cm। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें हमारा क्या सही है, इसमें हमारा सही है 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसके बाद
हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 7:10। तो यहाँ पे दो बंदे हैं, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी। तो जो इनकी इनकम है वो किस रेशियो में, 7 और 10 के रेशियो में। तो इस रेशियो में तो हम क्या मान लेंगे, हम एक्स ले लेते हैं। इसकी इनकम हो गई 7x और इसकी इनकम हो गई 10x। जब ये हो गया तो इसमें इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है 2:3। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर रेशियो ये हो जाएगा 2x और सॉरी ये हो जाएगा 2 और 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम y ले लेंगे। जब हमने y ले लिया तो ये a का हो गया, ठीक है, और ये b का हो गया। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, हम उनकी निकालेंगे सेविंग। तो इसकी सेविंग हो जाएगी a की, वो हो जाएगी 7x-2y, और b की सेविंग हो जाएगी 10x-3y। ये इनकी सेविंग हो गई, ठीक है। इतनी 7x उसकी इनकम थी, 2y एक्सपेंडिचर, ऐसी 10x बी की इनकम थी और 3y एक्सपेंडिचर। तो अब क्या करेंगे, दोनों पर मंथ 1000 रुपीज़ सेव करते हैं, ओके। तो 7x-2y इज इक्वल टू 1000 रखेंगे, ऐसे ही 10x-3y इज इक्वल टू 1000, दोनों 1000 रुपये सेव कर रहे हैं। तो अब ये दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन मिल चुकी हैं टू वेरिएबल्स में। तो अब क्या करते हैं, इसके बाद हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड, और कोई सा भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और सब्स्टिट्यूशन, जैसा आपको अच्छा लगे। तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। तो इस इक्वेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से। तो जब ऐसा करेंगे तो अब ये वाली जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी 21x-6y इज इक्वल टू 3000, और ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 20x-6y इज इक्वल टू 2000। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे नीचे वाली को, तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो इसमें से ये कट गए, तो 21x में से 20x को माइनस किया तो x बचा और ये आ गया 1000। तो x क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारी 1000। तो ये a जो कमाता है महीने के 7000 रुपये कमाता है, और b कमाता है 10000, ओके। तो इसने पूछा था कि मंथली इनकम क्या है b की, वो कितनी आ गई हमारी 10000। इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, जो ये है, ए और बी दोनों किसी काम को साथ में फिनिश करते हैं 20 डेज़ में। तो बी एंड सी करते हैं सेम जॉब को 30 डेज़ में, और ए और सी करते हैं 24 डेज़ में। तो हम क्या करते हैं, वर्क एंड वाला यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले 1 upon A + 1 upon B, तो ये उनका एक दिन का काम निकल के आ जाएगा दोनों जब साथ में करते हैं ए और बी मिलके। तो ये क्या हो जाएगा, 1 upon 20 सेम, 1 upon B + 1 upon C इज इक्वल टू 1 upon 30, और ये आ जाएगा 1 upon A + 1 upon C इज इक्वल टू 24। तो हमारे पास तीन इक्वेशन बन गई, ठीक है, ये तीनों बन गई। तो हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे, सम ऑफ ऑल अबव इक्वेशंस, इनका हम सम करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C। अब 1 upon A दो बार आ रहा है, 1 upon C दो बार आ रहा है, 1 upon B दो बार आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा 2। तो इन सभी को ऐड करेंगे, 1 upon 20, 1 upon 30, 1 upon 24, इन सभी का सम किया, तो इन सभी का सम यहाँ पे LCM आ जाएगा, 120 आ गया। तो ये हो गया 6, ये हो गया 4, ये हो गया 5, तो ये आ जाएगा 15 upon 120, ठीक है। तो तीनों मिलके किसी काम को करेंगे 15 upon 240, एक दिन में इतना काम करेंगे, ओके। तो इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या पूछा है, अब पूछा है कि कितने दिनों में ए अकेला इस काम को कर सकता है, सिर्फ ए का निकालना है हमें, ये निकालना है 1 upon A। तो हम क्या रख देंगे, 1 upon B + 1 upon C की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, जो हमारे पास क्या थी, 1 upon 30। तो इसे रखने के बाद 1 upon A प्लस
वन अपॉन 30 हो जाएगा, ये आ जाएगा 15 अपॉन 24। ओके, इसके बाद यहाँ से वन अपॉन ए इज इक्वल टू 15 अपॉन 240 माइनस 1 अपॉन 30 हो जाएगा, और ये आ जाएगा एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 240 और यहाँ पे माइनस 8 और ये हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 240। तो ए एक दिन में इतना काम करता है 7 अपॉन 240 के बराबर, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू 240 अपॉन 7 डेज, इतने दिनों में काम करेगा, जो किसके बराबर होगा, ये होगा 34 and 2/7 डेज के बराबर। ये हमारा हो गया ऑप्शन सी। ओके, तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके बाद चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो क्या है, अ ट्री इज एट प्रेजेंट 9 फीट टॉल इफ़ एवरी ईयर इट ग्रोज 1/9, ये 1/9 है ऑफ इट्स हाइट, वॉट विल बी द हाइट ऑफ द ट्री आफ्टर 3 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि कोई हमारे पास ट्री है तो इस ट्री की जो हाइट है हर साल 1/9 बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये शुरुआत में 9 था, तो इसकी हो जाएगी हाइट निकालेंगे हम, हाइट आफ्टर फर्स्ट ईयर, तो पहले उसकी हो गई 9 थी और हमारी 1/9 और बढ़ गई, तो नेक्स्ट ईयर इसकी हाइट हो जाएगी 10 फीट। ओके, इसके बाद हम निकालेंगे सेकेंड ईयर पे इसकी हाइट कितनी होगी। तो सेकेंड ईयर पे अब इसकी 10 फीट है, तो 10 फीट में हम 10 का 9th पार्ट ऐड करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100/9। जब ये 100/9 हो जाएगा तो इसे हम, ये हमारी सेकेंड ईयर पे हाइट हो गई। इसके बाद हम हाइट निकालेंगे थर्ड ईयर पे, तो थर्ड ईयर पे हाइट हम निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100/9 प्लस के 100/9 का 1/9, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे, मतलब पहले 100/9 प्लस के ये हो जाएगा 100/81, तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1000/81। तो जो थर्ड ईयर पे जो हाइट होगी हमारी वो कितनी होगी, 1000/81, क्योंकि हर साल हमारी 1/9 इसकी हाइट बढ़ रही है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो वो आता है आंसर 12.34 फीट, फीट में है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो गया 12.34 फीट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे आते हैं, इफ फर्स्ट मार्च ऑफ अ ईयर इज संडे, विच डे विल बी द फर्स्ट फरवरी ऑफ द नेक्स्ट ईयर, फ्राइडे ट्यूजडे सैटरडे मंडे। तो किसी साल का फर्स्ट मार्च जो है वो क्या है, फर्स्ट मार्च वो है हमारा संडे। ओके, तो अब बताना है कि नेक्स्ट ईयर पे जो उसका अगला ईयर होगा उस पर कौन सा दिन होगा, फर्स्ट फेब को। तो इसमें और इसमें आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, उस ईयर में जो हमारा प्रेजेंट ईयर है इसमें कितने डेज बच रहे हैं, प्लस फर्स्ट फरवरी से पहले जो 31 जैन तक कितने दिन बचेंगे, ये आप निकाल सकते हैं। तो प्रेजेंट डे जो उसमें बच रहे हैं तो आप 365 में से माइनस कर सकते हैं 28 डेज प्लस 31 डेज, ये हमारे फेब का दिन हो गए और ये हमारे जैन के हो गए। तो ये से निकालने के बाद हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो हमारे 31 नेक्स्ट ईयर जनवरी के दिन होंगे वो वाले, तो इन दोनों को ऐड करते हैं, तो 365 माइनस के ये हो जाएगा 59 प्लस 31, तो इसके बाद ये ये हो गया आपका 306 प्लस के 31, ये हो जाएगा 337 डेज। तो बीच में 337 डेज हो गए, अब इसे 7 से डिवाइड कर सकते हैं आपको आप इसको, तो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा अब ये
तो हमारा अभी यहाँ से निकल के आ जाएगा 4, यहाँ पे बचेगा 5, 8, 48, 1/7 डेज। ये 7 से इतना भाग देने पे इतने वीक आएंगे, ठीक है। जब इतने वीक आएंगे तो अब क्या होगा, यहाँ पे हमारा मंडे था वो कौन सा दिन होगा, वो हमारा 31 जैन को निकल आ गया। तो 1 फेब को कितना क्या होगा, 1 फेब को होगा ट्यूसडे। ओके, तो 1 फेब को हमारा आंसर हो गया ट्यूसडे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 7,000, 8,000 एंड 12,000। तो ए बी सी इन्होंने जमा किए, इसने जमा किए 7,000 रुपये, इसने किए 8,000 रुपये और इसने किए 12,000 रुपये। तो इनका रेशियो क्या हो गया, 7:8:12 हो गया, ठीक है। तो इस रेशियो को ऐड कर लेंगे तो वो आ जाता है 27। तो इसका हो जाएगा पार्ट 7/27 प्रॉफिट में, इसका हो जाएगा 8/27 और इसका हो जाएगा 12/27 प्रॉफिट में। इन तीनों का ये पार्ट रहेगा। तो उन्हें जो प्रॉफिट मिला वो 3,200 का था। तो व्हाट इज़ द टोटल प्रॉफिट, ये इसका है, ये बी को मिला था। तो बी का प्रॉफिट इतना है 8/27, तो हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया, हमने मान लिया एक्स, एक्स मान लिया। तो एक्स का 8/27 किसको मिला है, बी को, वो हमारा 3,200 है। तो 8 से ये हो गया 400 टाइम्स, तो एक्स इज इक्वल टू 27 × 400, ये हो गया 10,800। तो उनका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 10,800। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इन अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक क्लियरेंस सेल शॉपकीपर गिव्स 40% ऑफ ऑन ऑल हिज आइटम्स, ही इनकर्स अ लॉस ऑफ 25% बाई सेलिंग एन आइटम ऑफ मार्क्ड प्राइस 2,000। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आइटम, 1,800, 1,200, 1,600 और 1,400। तो स्टॉक क्लियरेंस सेल है, इसमें एक शॉपकीपर है वो 40% ऑफ देता है उसके आइटम्स पे और मार्क्ड प्राइस उसका 2,000 है। तो 2,000 के मार्क प्राइस पे जब वो 40% ऑफ करता है तो उसे 25% का लॉस होता है, ये है। तो उसका मार्क्ड प्राइस कितना है, उसका मार्क्ड प्राइस है 2,000। तो इस पे हम क्या निकाल लेंगे, अब हम इस पे निकालेंगे सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस में हम 2,000 × तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 60/1,000। तो इससे ये कट गया तो ये आ गया 1,200। तो उसने जो सामान बेचा अपना वो 1,200 रुपीज़ में बेचा था, ठीक है। तो जब वो 1,200 में बेच रहा है तो उसे 25% का लॉस हुआ। तो हम अब इसके बाद निकालेंगे, हमारा ये दे रखा है सेलिंग प्राइस 1,200, अब हमको सीपी निकालना है। तो सीपी निकालने के लिए हमने वो मान लिया एक्स, ठीक है। तो हमारा लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज जो होगा वो हमें दे रखा है 25%। जब एक्स में से हम एक्स का 25% घटा रहे हैं, वो किसके बराबर है, वो हमारा 1,200 के बराबर है। तो ये 4 बार कट जाएगा 25 से। इसके बाद ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बटे 4 इज इक्वल टू 1,200, ये आ जाएगा। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, 3x/4 इज इक्वल टू 1,200 और ये भी 1,200 है। इसके बाद यहाँ से ये हो गया 400 टाइम्स और एक्स बराबर आ गया हमारा 1,600, ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हमारा आंसर है सी। इसके बाद द एवरेज एज ऑफ राज एंड हिज फादर इज 45 ईयर्स। यहाँ पे क्या है, जो एक बंदा है जिसका नाम राज है और इसका पिता है जिसकी एज है 45 ईयर्स, दोनों का एवरेज, ओके। इफ़ द एजेस ऑफ द फादर एंड द ग्रैंड फादर ऑफ राज आर रेस्पेक्टली 2 and 3 times डेट ऑफ राज, तो जो एवरेज है वो क्या है, वो है 45, किसका, राज और उसके फादर का।
तो एवरेज इतना है, तो सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा 90। ओके सम कितना हो गया 90। तो लेट एज ऑफ राज इज एक्स, देन हिज फादर्स एज विल बी 90 माइनस एक्स, ये हो जाएगा। तो इसमें एक रिलेशन दे रखा है कि जो उसके फादर की जो एज है वो दुगनी है किससे, राज से। तो वो जो फादर की जो एज है वो क्या है, वो दुगनी है राज की एज से। ओके ये फादर की एज है और ये राज की एज है, तो उसका 2 टाइम्स है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 90 इज इक्वल टू 3x, 3 से कट गए 30 टाइम्स, और ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 30। ये हो गई राज की एज। अब उसके ग्रैंड फादर की एज पूछिए, तो ग्रैंड फादर की एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 3 इंटू 30, क्योंकि उसका 3 टाइम्स है राज की एज का। तो राज की एज 30 और ग्रैंड फादर की एज आ गई 90 ईयर्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाद चलते हैं, द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन एडेड टू 10,000 बिकम्स डिविजल बाई 20, 24 एंड 30। तो आप इसमें ऑप्शन चेक करके भी कर सकते हैं। जैसे अगर हम 120 ऐड करते हैं इसमें, तो 120 में क्या है, यहाँ पे 30 में, जैसे हम ये चीज़ चेक करते हैं 20, 24 और 30। तो 30 का हम डिविजिबल होगा नहीं होगा कैसे चेक करेंगे, कोई भी नंबर 10 से डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो वो 30 से भी डिवाइड होगा। सेम 24 का कैसे चेक करेंगे, 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से, तो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा तो 24 से भी हो जाएगा। एंड 20 का 4 से डिवाइड होना चाहिए और 5 से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम 10,000 में किस नंबर को ऐड करें, 120 को करते हैं, तो देखो 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 और इसका 1, इन तीनों को ऐड करते हैं तो 4। तो देखो 4 में 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो 120 तो हमारा ऑप्शन है नहीं। इसके बाद अगर हम इसमें जाते हैं 800 में, तो 800 में इसमें कंडीशन क्या होती है, अब इसमें देखो, इसमें हमारे पास 10,000 का 1 हो गया और इसमें 8 हो गया, 9 हो गया, इसमें 3 से तो डिवाइड जा रहा है। अब बाकी चेक करेंगे 20 से जा रहा है, 20 से भी जा रहा है, उसके बाद बाकी चेक करेंगे 24 से जा रहा है और इसमें 24 से भी जा रहा है। तो ये ऐड करने के बाद इससे डिविजल होंगे, आप इन दोनों रेस्ट को चेक कर सकते हैं ऐसे ही। तो ये हमारा सही ऑप्शन है बी, कि इसे ऐड करने पे ये हमारा 20, 24 और 30 से डिविजिबल होगा। अब इसके बाद आता है 10th क्वेश्चन, सपोज द nth टर्म ऑफ अ सीरीज, ये हमारी एक सीरीज का nth टर्म दे रखा है, nth टर्म 1 प्लस n बाई 2 प्लस n स्क्वायर बाई 2, ये दे रखा है। तो इसमें 20 टर्म्स हैं, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इस सीरीज़ को 3 अलग अलग टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं। एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो हमारे 20 टर्म्स हैं, तो इसमें क्या होगा, एड 1 20 टाइम्स, तो ये हो गया 20। अब इस वाले टर्म को लेते हैं एन बाई टू को, तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर क्या होता है, ये होता है हमारा एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो इसमें 20 था तो 20 रखेंगे, 20 इंटू 21 अपॉन 2, ये हो जाएगा 10, तो ये जाएगा 210। अब हमें निकालना था एन बाई टू का सम, ठीक है, तो ये हो जाएगा सम ऑफ एन बाई टू नेचुरल नंबर, नहीं एन नेचुरल नंबर सीरीज़ में हम 2 बाई 10 कर देंगे 105। तो इसका सम निकल आया है पहले 20 टर्म्स का 105। अब इसे करेंगे तो इसमें हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, वो वाला फार्मूला लगेगा, तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो इससे अगर हम सॉल्व करके निकालते हैं तो 20 इंटू 21 इंटू 41 बाई 6, तो 6 ये 3 टाइम्स बचा और ये 10 बचा, 2 से कट करने के बाद 3 से ये 7 आ गया, तो ये आ जाएगा 17 इंटू 41
और ये आ गया हमारा 2870। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई इतना हो जाएगा। तो अब इसमें 2870 का हाफ करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हाफ लगा हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा 1435, इतना आ गया। तो हम एक इस टर्म को और एक इस टर्म को, और हमारा एक और टर्म है जो था 20 इस टर्म को ऐड करेंगे, तो 1435 प्लस के 20 प्लस के 105, तो इसे ऐड करेंगे तो आता है 1560, और ये हो गया हमारा आंसर डी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो इसमें हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग लेटर्स ऑफ वर्ड कोविड। कोविड वर्ड है हमारे पास सी है, ओ है, वी है, आई है और डी है। इनसे हमें क्या बनाना है, मीनिंग और विदाउट मीनिंग का कोई भी डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं, और वो कितने होंगे वो हमको बताना है। तो इसमें टोटल कितने वर्ड हैं, 5। तो 5 वर्ड हैं, तो हमको क्या करना है, हमारे पास वर्ड बनाने के लिए कितने ऑप्शन हैं, 5 हैं। तो 5, अब सपोज हमने कोई एक वर्ड ले लिया, जैसे हमने सी ले लिया, चलो हमने इसे यूज कर लिया, तो हमारे पास कितने वर्ड बचे, अब हमारे पास बचे 4। ठीक है, अब इसे भी यूज कर लिया, तो अब हमारे पास कितने वर्ड बचे, 3, फिर उसके बाद 2 बचेंगे, फिर 1 2 1, तो इसकी इसको मल्टीप्लाई करने पे आता है 120। ओके, तो हमारा आंसर हो गया डी। ये प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन है, फैक्टोरियल, वो उससे हो जाएगा। इसके बाद आता है 12। तो अ शॉपकीपर गिव्स 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% 5% रेस्पेक्टिवली ऑन हिज आइटम्स। ही देन एड्स 20% जीएसटी ऑन हिज आइटम्स। इफ एन आइटम हैज़ मार्क्ड प्राइस ₹2000, हाउ मच मोर और लेस ऑफ एक्चुअल प्राइस ऑफ आइटम अ कस्टमर हैज़ टू पे। तो ये होता है जो हमारा मार्क्ड प्राइस होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, हम 100 में से डिस्काउंट को जितना दे रखा उसको माइनस करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर कंजुकेटिव होता है तो हम दो बार करते हैं माइनस के D2। तो इसमें कंजुकेटिव 2 हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मार्क्ड प्राइस था 2000 इंटू 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 अपॉन 100, और ये हो जाएगा 95 अपॉन 100। एक दो, तो 2×9×95। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने पे हमारा आता है सॉल्यूशन 18 इंटू 95, तो ये हो जाएगा, ये हमारा आ गया मल्टीप्लिकेशन। तो उस आइटम को वो इतने डिस्काउंट देने के बाद 10% और 5% वो इस प्राइस पे बेचेगा। जब इस प्राइस पे बेच रहा है तो क्या करता है, 20% जीएसटी और लगा देता है। तो 20% जीएसटी लगा रहा है, तो इस पे 20% जीएसटी लगाएगा, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हमारा ये हो गया प्लस के इसका 20% जीएसटी लगा रहा है। तो जब इसका 20% जीएसटी लगा रहा है, तो 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कट जाएगा। इसके बाद अब 171×2 171×2 ये हो जाता है 342, तो ये आ जाएगा हमारा 2052। तो हमारा सेलिंग प्राइस नया जो आएगा 20% जीएसटी लगने के बाद, वो आएगा 2052। जब इतना प्राइस आ जाएगा तो यहाँ पे कितना ज़्यादा हो गया, कितना चेंज हो गया, ये आ गया हमारा 2052 में से 2000 माइनस करेंगे तो आ गया ₹52 आ गया। तो अब हम परसेंटेज निकालेंगे, तो कैसे निकलेगा, तो कितने पे उसे ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो ये निकलेगा 52×100/2000, ये आ जाएगा। तो जब ये आ जाएगा तो अब यहाँ से 1, 2 ये 0 हम काट सकते हैं, तो इसके बाद 52/20 बचा और ये होता है 2.6%। तो उसे 2.6% ज़्यादा देना पड़ रहा है, 2.6% मोर पे। तो इस क्वेश्चन में क्या है, हमारा सी आई और एस आई का डिफरेंस दे रखा है, ये हमारा कितना है 250। तो हमारी आर दे रखी है वो है 5%, और हमारा एन या फिर हम बोलेंगे टी, हमारा एन या फिर हम बोलेंगे टी, वो हमें दे रखा है 5 2 ईयर। ठीक है,
इतना दे रखा है। तो हम सबसे पहले सी आई निकालेंगे, तो सी आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, सी आई बराबर हो जाएगा पी इंटू वन प्लस फाइव अपॉन हंड्रेड का स्क्वायर माइनस के पी। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा पी इंटू वन जीरो फाइव अपॉन हंड्रेड का स्क्वायर माइनस के पी। तो ये फाइव से हो जाएगा 21 टाइम्स और ये हो जाएगा 20 टाइम्स, तो इसे लिख सकते हैं हम पी इंटू फोर फोर वन अपॉन फोर हंड्रेड माइनस के पी। तो ये बचता है 41 पी अपॉन 400। ये क्या आ गई हमारी, ये आ गई हमारी सी आई। क्या आ गई, सी आई। अब निकालते हैं एस आई, तो एस आई कितनी आएगी, एस आई आएगी हमारी पी इंटू आर इंटू एन अपॉन 100 से। तो पी तो पी ही है हमारा प्रिंसिपल, हमको निकालना ही है, ठीक है। और आर है हमारा 5 और ये 2 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 10 पी अपॉन 100। तो ये हो गया, और दोनों का डिफरेंस सी आई माइनस एस आई ये हमको दे रखा है 41 पी अपॉन 400 माइनस 10 पी अपॉन 100 इज इक्वल टू 250। तो उनका डिफरेंस 250 दे रखा है। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 41 पी माइनस के 40 पी अपॉन 400 हो जाएगा और ये हमारा 250 के बराबर। तो वो हो गया हमारा पी अपॉन 400 इज इक्वल टू 250। तो ये आ जाएगा पी इज इक्वल टू 400 इंटू 250। तो ये आने के बाद इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 100,000 रुपी। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया, 100,000, क्वेश्चन नंबर ए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाउ मच वाटर इज टू बी एडेड टू 75 ml ऑफ अल्कोहल सो डैट मिक्सचर कंटेन्स 25% ऑफ अल्कोहल, 100 ml, 225 ml, 250 ml और 125 ml। तो हमारे पास अल्कोहल है 75 का, तो हमें मिक्सचर बनाना है। हमें वाटर और अल्कोहल मिला के एक सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। और अल्कोहल का अमाउंट 25% हो जाए। जब ये 25 है तो वाटर कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये सीधा आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 25% हमारा किसके बराबर है, ये है हमारा 75 ml के बराबर, ठीक है। क्योंकि ये अमाउंट चेंज नहीं हो रहा, 75 ml ही रहेगा। तो हमें ऐड क्या करना है, सिर्फ वाटर। तो 1% किसके बराबर हो गया, 3 ml के बराबर। तो ये 75% किसके बराबर हो जाएगा, हम 75 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 × 75, तो ये हो जाएगा 225। तो इतना ml हमको ऐड करना है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कि सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होगा, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ऐड भी कर सकते हैं यहाँ पे, 100 का भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 225 प्लस के 75 इज इक्वल टू 300 ml। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन का अमाउंट। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ 35% ऑफ अ नंबर इज 416 मोर देन 27% ऑफ द सेम नंबर देन द नंबर इज। अब हमको यहाँ पे एक ऐसा नंबर निकालना है जिसका 35% है वो 460 है, ठीक है, वो ज़्यादा है 27% से। तो लेट एक्स बी द नंबर, एक्स बी द नंबर। तो एक्स अगर नंबर हो गया तो एक्स का 35% जो है, ये हमारा x का 35% हो गया, 35% ऑफ x। और हमारा यहाँ पे 27% ऑफ x कितना हो जाएगा, x इंटू 27 अपॉन 100 हो गया। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो क्या दे रखा है हमें, 416। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 35x अपॉन 100 माइनस 27x अपॉन 100, वो हो गया 416, ये हमको दे रखा है। तो यहाँ से इसे सीधा सॉल्व करेंगे, 35 में से 27 को अगर माइनस करते हैं, नीचे 100 इज इक्वल टू 416, तो ये आ जाता है हमारा 8x अपॉन 100 इज इक्वल टू 416। तो 8 से ये 4 से 2 टाइम्स, ये 4 से 25 टाइम्स,
तो 2x इज इक्वल टू 416 इंटू 25 हो जाएगा, तो 2 से ये हो जाएगा 208 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 25 इंटू 208, ये होता है हमारा 5200। तो इतना हमारा वो नंबर आ गया 5200, ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो आई होप आपको सारे सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे। अगर आप आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू।